हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है 2.1, उसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द लार्ज एग्रीगेट्स और इकोनॉमी एज अ होल इज कॉल्ड एज द करेक्ट आंसर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्ड डेट इज स्केयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द करेक्ट आंसर इज फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इट कंसीडर एग्रीगेट एज ए होमोजेनियस एंड थर्ड वन इज एग्रीगेट मे नॉट इम्पोर्टेंट नेसेसरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द इकोनॉमिक्स टेल्स अस द थिंग्स आउट टू बी इट मीन्स इट इज ए द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर रिलेटेड टू द टर्म। द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन कैपिटलिज्म ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाई द करेक्ट आंसर इज प्राइवेट सेक्टर। द कंसेप्ट ऑफ मिक्सड इकोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस बाई द करेक्ट आंसर इज जे एम कीनेस। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स द करेक्ट आंसर इज एडम स्मिथ। वेलफेयर डेफिनेशन वॉज गिवन बाई द करेक्ट आंसर इज मार्शल। स्केयरसिटी ऑफ डेफिनेशन इज गिवन बाई द करेक्ट आंसर इज रॉबिन्स। ग्रोथ डेफिनेशन इज गिवन बाई द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द करेक्ट आंसर इज प्राइस थ्योरी। द टर्म माइक्रो इज डिटरमाइंड फ्रॉम द खाली जगह वर्ड विच मीन्स ब्लैंक। तो द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो विच ऑफ दिस वुड बी क्लासिफाई एज अ कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। ए भंकरा डैम, बी इंद्र कैनाल, सी गोल्डन ट्राइंगल। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ थ्रीज। कैपिटल इन इकोनॉमिक्स मीन्स द करेक्ट आंसर इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर कॉइन्ड बाई द करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर रेगर फ्रिस। विच ऑफ द दीज आर द आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द करेक्ट आंसर इज कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मीन्स द करेक्ट आंसर इज लिमिटेड रिसोर्सेस। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद इंडिविजुअल और एनी एग्रीगेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। द ऑथर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी बुक वॉज द करेक्ट आंसर इज के देवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक इज अ खाली जगह साइंस। इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ चॉइस बिहेवियर स्केयरसिटी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दिस चॉइस बिहेवियर एंड स्केयरसिटी। इकोनॉमिक्स आर पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन्स ब्लैंक। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट इज। द इकोनॉमिक इज ए पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन व्हाट इज। इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस एक्सप्लेन द खाली जगह। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट आउट टू बी। इकोनॉमिक्स इज एन नॉर्मेटिव साइंस विच एक्सप्लेन व्हाट आउट टू बी। तो दोस्तों, ये था कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हम जो भी नए वीडियो बनाएं वो आप लोगों तक आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।